स्टूडेंट्स हाउ आर यू। आई एम हेकार सिंह योर इंग्लिश टीचर। क्लास 8 सब्जेक्ट इंग्लिश सेकेंड और चैप्टर नंबर 7 द प्रेजेंट टेंस। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ेंगे। प्रेजेंट टेंस देखिए इसकी रीडिंग लगाएंगे। द टेंस ऑफ वर्ब्स इंडिकेट्स टू इम्पोर्टेंट थिंग्स अबाउट द एक्शन कंसर्न द टाइम of the action present past or future and the kind of action singular repeated continuous completed or incomplete। देखिए विद्यार्थियों टेंस हमें ये बताता है कि हम टेंस हमें ये होता है टेंस मीन्स काल। ठीक है भूतकाल भविष्यकाल और वर्तमान काल। ठीक है विद्यार्थियों अब देखिए प्रेजेंट टेंस पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस यानी कि हमें जैसे मैं खाना खाता हूँ कौन हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट। मैं खाना खाता था तो क्या हो गया पास्ट इंडेफिनिट। मैं खाना खाऊंगा तो क्या हो गया फ्यूचर इंडेफिनिट। ठीक है मैं खाना खाऊंगा तो इस तरीके से क्या होता है ये विद्यार्थियों टेंस हमें ये बताता है यानी कि हम किस काल में और किस समय कौन सी बात कर रहे हैं। ठीक है अगर टेंस हमें ये पता चलता है। ओके अब देखिए देयर आर फोर मेन टाइप्स टेंसेस। देखिए चार प्रकार के मुख्य टेंस होते हैं प्रेजेंट टेंस पास्ट टेंस फ्यूचर टेंस एंड देखिए प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर एंड फ्यूचर इन द पास्ट। अब देखिए आपके टेंस जो हैं ये तीन प्रकार के होते हैं लेकिन जो इस बुक में दिया है वो एक फ्यूचर इन द पास्ट टेंस यानी कि फ्यूचर पास्ट टेंस भी होता है। ठीक है लेकिन स्टूडेंट्स देखिए आपके टेंस तीन प्रकार के होते हैं प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर। और देखिए प्रत्येक टेंस को हम चार प्रकार से बनाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट कंटिन्यूअस प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है स्टूडेंट्स आप समझ रहे होंगे। ओके अब देखिए इन ईच टाइम टेंस हैज फोर सब टेंसेस और एस्पेक्ट्स विच इंडिकेट्स द काइंड्स ऑफ एक्शन कंसर्न्ड। और देखिए इनसे क्या होता है हम जिस टेंस में होते हैं उसी टेंस का हमें क्या करना होता है वर्क करना होता है उसी टेंस के वाक्य को वर्णन करना होता है। अब देखिए प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर और फ्यूचर इन पास्ट। आप ये देखिए चार जो टाइप के इन्होंने टेंस बताए हैं प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर और फ्यूचर इन द पास्ट। अब देखिए पहला है सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा इट प्लेज और पास्ट में होगा इट प्लेड और फ्यूचर में होगा इट विल प्ले और फ्यूचर इन पास्ट में होगा आई सैड इट वुड प्ले। अब आपके समझ में आ गया होगा यानी कि इट प्लेज यानी कि इट मीन्स कोई भी इट निर्जीव वस्तु के लिए होता है या किसी कॉमन जैसे क्या इट से क्या होता है ऋतुएँ वस्तुएँ जो कॉमन जैसे कुत्ते बिल्ली के लिए हम इट का यूज कर सकते हैं। ठीक है इट प्लेड वह खेलता था। ठीक है इट प्लेज वह खेलता है इट प्लेड वह खेलता था कुछ भी यानी कि जानवर एक्स वाई जेड कुत्ता बिल्ली। ओके यहाँ प्रॉपर नाउन नहीं कर रहे हैं। ठीक है अब देखिए कंटिन्यूस इट इज प्लेइंग इट वॉज प्लेइंग इट विल बी प्लेइंग आई सैड इट वुड बी प्लेइंग। ओके परफेक्ट इट हैज प्लेड इट हैड प्लेड इट विल हैव प्लेड आई सैड इट वुड हैव प्लेड। देखिए परफेक्ट कंटिन्यूस इट हैज बीन प्लेड इट हैड बीन प्लेइंग इट विल हैव बीन प्लेइंग और आई सैड इट वुड हैव बीन प्लेइंग। ओके स्टूडेंट्स अब देखिए ये मैंने आपको इसकी स्टडी यहाँ तक लगा दी है आपको इसको वीडियो को एक से दो बार देख लो और अब आपकी ये समझ में आ जाएगी। डियर स्टूडेंट्स इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ओके गुड बाय।